हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश लैंग्वेज के बेसिक चीज़ों के बारे में सीखेंगे। जो ये बेसिक है वो अगर हमारा स्ट्रॉन्ग है, उसके बारे में हमको पता है, तभी हम एडवांस की तरफ बढ़ सकते हैं। तो फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, एडवांस में अभी नहीं जाना है, इस वीडियो लेक्चर में हम पूरा बेसिक के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज से भी पुरानी बहुत सारी लैंग्वेज है, उसमें से एक है लेटिन। रोम नाम सुना है ना, रोम देश, उसमें लेटिन यूज़ होता था। तो वो लैंग्वेज का ओल्ड इंग्लिश के ऊपर बहुत बड़ा इम्प्रेशन था, बहुत बड़ा प्रभाव था। तो उसके कुछ वर्ड ओल्ड इंग्लिश में हैं, फिर धीरे धीरे मिडल इंग्लिश आया, फिर लास्ट में मॉडर्न इंग्लिश। तो ये क्या था, तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश, मिडल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश। तो इसका आप इंग्लिश की हिस्ट्री समझ सकते हो। तो इंग्लिश लैंग्वेज में दूसरी लैंग्वेज के भी वर्ड एडॉप्ट किए गए हैं और धीरे धीरे उसकी वोकेबुलरी इतनी बड़ी हो गई कि अभी वर्ल्ड की सबसे बड़ी वोकेबुलरी इंग्लिश लैंग्वेज के पास है और इंटरनेशनल लैंग्वेज हो गई है। अब देखेंगे अल्फ़ाबेट, लैंग्वेज बन गया उसके बाद अल्फ़ाबेट। तो इंग्लिश लैंग्वेज में 26 अल्फ़ाबेट है, हमको पता है। उसको कैपिटल लेटर में और स्मॉल लेटर्स में लिखा जा सकता है। वोवेल से 5, ए ई आई ओ यू, कॉन्सोनेंट है 21, बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी V W X Y Z। ओके, अल्फाबेट्स देख लिए, कॉन्सोनेंट वॉवेल्स देखे, अब देखते हैं वर्ड्स। तो वर्ड्स क्या है, तो वॉवेल और कॉन्सोनेंट मिलकर बनाते हैं जिसको वो है वर्ड। तो वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स फॉर्म मतलब बनाना। तो देखो इधर वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट मिलकर वर्ड बनाएगी। पहला वर्ड है रिदम, R H Y T H M, इसके अंदर एक भी वॉवेल नहीं है फिर भी वर्ड बन सकता है। इसके अंदर देखो सिंग, तो आई क्या है, वॉवेल, बाकी सारे क्या है, कॉन्सोनेंट। डांस, तो इसे वर्ड बोलते हैं। अब है सिलेबल, वर्ड बन गया, अब उसका उच्चारण कैसे बोलना है। तो उसके अंदर वॉवेल साउंड, सिलेबल में वॉवेल साउंड को कंसिडर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है स्टोरी, तो इसके अंदर कितने वॉवेल साउंड है, तो स्टो मतलब ओ का साउंड आया और स्टो री ई का साउंड आया, तो ओ और ई दो वॉवेल साउंड है। इट मीन्स स्टोरी वर्ड के अंदर दो सिलेबल है। अब थोड़ा जानेंगे फ्रेज के बारे में, व्हाट इज फ्रेज। तो फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वो शब्दों का समूह है। इट एक्सप्रेस इज आइडिया, वो कुछ आइडिया रजू करता है। बट डजंट मेक कंप्लीट सेंस, कंप्लीट थॉट, लेकिन बेचारा कंप्लीट सेंस प्रेजेंट नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल ऑन द वे, ये क्या है, देखो तीन वर्ड है मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड तो बन गया, कुछ आइडिया भी है कि ऑन द वे कुछ होगा, लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं आ रहा। ऑन द वे रस्ते पे क्या था, क्या है, व्हाट, वो कुछ कंप्लीट सेंस नहीं है, इसलिए आधा अधूरा है फ्रेज उसको बोलते हैं। थोड़ा एक्सप्रेस करता है आइडिया लेकिन कंप्लीट नहीं है। ओके, अब थोड़ा जानते हैं सेंटेंस के बारे में। तो सेंटेंस किसे बोलेगी, तो सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वो भी फ्रेज के जैसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है, वो कंप्लीट सेंस दिखाता है, मेक्स कंप्लीट सेंस। तो देखो एक एग्जांपल दिया है सेंटेंस का, माय ब्रदर हेल्प्ड मी, मेरे भाई ने मेरे को मदद की थी, कंप्लीट हो गए। सिट डाउन, ये देखो इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो आप सेंटेंस के टाइप एडवांस चैप्टर में देख सकते हैं, अलग अलग टाइप है सेंटेंस के। तो ये सिट डाउन, इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है, यू। जनरली ऐसा हम सोचते हैं किसी को हम बोलेंगे ना तुम बैठ जाओ, खाली ऐसा बोले कि सिट डाउन, तो यू हो जाएगा सब्जेक्ट। ओके, अब थोड़ा जानेंगे क्लोज के बारे में। तो क्लोज क्या है,
क्लोज क्या है, वन काइंड ऑफ सेंटेंस, वो भी एक सेंटेंस है जिसके अंदर सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, तो वर्ब कंपलसरी है, सब्जेक्ट है तो वो क्लोज हो गए। तो इट इज़ अ सेंटेंस, वो भी एक सेंटेंस है, वो क्या करता है, हेल्प इन फॉर्म अ लार्जर सेंटेंस। तो कभी कभी बड़े सेंटेंस बनाने होते हैं तब हम क्लोज का यूज करते हैं, मतलब एक साथ दो तीन ऐसे क्लोज जोड़ देते हैं तो सेंटेंस बड़ा हो जाता है, और बीच में हम कंजक्शन यूज कर देते हैं सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए। तो देखो इधर एक छोटा सेंटेंस था, माय ब्रदर हेल्प्ड मी, मतलब निकलता है छोटा सेंटेंस माय ब्रदर हेल्प्ड मी। इधर क्लोज में देखो, माय ब्रदर हेल्प्ड मी व्हेन आई वाज इन ग्रेट ट्रबल। तो देखो हमने क्या किया, दो क्लोज को ज्वाइन कर दिया व्हेन यूज करके, तो माय ब्रदर हेल्प्ड मी व्हेन आई वाज इन ग्रेट ट्रबल। तो इसके अंदर माय ब्रदर हेल्प्ड मी वो हो गया मेन क्लोज, प्रिंसिपल क्लोज भी बोल सकते हो, और आई वॉज इन ग्रेट ट्रबल वो डिपेंडेंट क्लोज है। तो ये क्लोज के जो टाइप देखोगे तब एडवांस में पता चलेगा। ओके, हमने इतना सारा देख लिया, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, अल्फाबेट देख लिए, फ्रेज देख दिए, क्लोज सेंटेंस वर्ड्स। अब देखते हैं ग्रामर, व्हाट इज ग्रामर। तो ग्रामर खाली इंग्लिश लैंग्वेज में है ऐसा नहीं, हिंदी, गुजराती, संस्कृत, सब लैंग्वेज का अपना अपना ग्रामर है। ग्रामर व्याकरण, व्याकरण बोलते हैं हिंदी गुजराती में। तो वो क्या है देखते हैं, अ सिस्टम ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स फॉर स्पीकिंग एंड राइटिंग अ लैंग्वेज। लिखने और बोलने के लिए लैंग्वेज के कुछ रूल्स बनाए हैं। अगर रूल्स नहीं है तो हमको पता है क्या हो जाएगा। सपोज लॉकडाउन किया कोरोना की वजह से, तो पुलिस है, आर्मी है, तो वो हमको रूल्स फॉलो करवाते है, अदरवाइज क्या है सिस्टम पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हम इंग्लिश को उल्टा लिखते हैं, राइट टू, हम कैसे लिखते हैं राइट टू लेफ्ट उर्दू, तो ये सब कुछ रूल्स है। फिर हम लिखने के टाइम बोलने के टाइम भी कुछ रूल्स है, उल्टा सुलटा बोलते नहीं है, वरना क्या जम्पलेट सेंटेंस हो जाएगा, मीनिंग निकलेगा नहीं। हम ऐसा बोलेंगे हेल्प्ड मी माय ब्रदर वॉज आई इन ट्रबल, तो ये कुछ मतलब नहीं निकल रहा। तो वो लोगों ने एक थोड़े रूल्स बनाए हैं जो जिसकी वजह से हम अच्छे से बोल सके और अच्छे से लिख सके, और वो सबके लिए सेम स्टैंडर्ड रूल्स रहेंगे तो ग्रामर फॉलो होगा। उसको देखो साइंस बोला है एक, वन काइंड ऑफ ग्रामर इज अ साइंस ऑफ स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ अ लैंग्वेज। लैंग्वेज का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए और उसका यूज़ कैसे करना है, उसका एक विज्ञान है, मतलब उसके अंदर थोड़े रूल्स और प्रिंसिपल्स अंदर ऐड किए हैं। हम उर्दू को पीछे से लिखना स्टार्ट करते हैं ना उल्टा, इंग्लिश कैसे लिखते हैं सीधा, गुजराती कैसे लिखते हैं सीधा, तो उसका ग्रामर हमको बताता है कि कैसे लिखना है, कैसे बोलना है, तो वो भी हमको सिखाता है। हम उल्टा सुलटा बोल सकते नहीं है वरना कोई समझेगा नहीं, ठीक है। ओके, अब लास्ट चीज़ देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच। ये वर्ड मैंने सबसे पहले किधर सुना था, तो वो एक कार्टून की चैनल आती है निकलोडियन, उसके ऊपर स्पेल बी गेम आती है, स्पेल बी गेम, वो सैफ अली खान की बहन है ना सोहा अली खान, तो वो होस्ट करती है स्पेल बी, बहुत अच्छी गेम है। तो उसके अंदर जो कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट करते हैं तो उनको वर्ड दिया जाता है, उसका वो लोग प्रोनंसिएशन करते हैं, फिर उनका स्पेलिंग बताना होता है। तो बच्चे पहले पूछते हैं लैंग्वेज का ओरिजिन, मतलब उद्भव कौन सी लैंग्वेज में से हुआ है, तो वो बोलेगे ग्रीक, इंग्लिश, लेटिन, तो ओरिजिन। फिर पूछते हैं बच्चे के पार्ट ऑफ स्पीच, तो क्या है पार्ट ऑफ स्पीच, तो वो होस्ट बता दिए सवाल खान के नाउन है, या तो बोलेगी एडजेक्टिव है, तो वो पार्ट ऑफ स्पीच बता दिए। फिर पूछेंगे यूजेज इन सेंटेंस, तो एक एग्जांपल देते हैं सेंटेंस में वो वर्ड का, और बाद में ये तीन चीज के पूछने के बाद वो कैंडिडेट है वो स्पेल उसका बताता है, फिर बोलता है कि जी ए वी ई ऐसा बोलता है, फिर वो बोलती है करेक्ट है या तो इनकरेक्ट। तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, तो अकॉर्डिंग टू यूजेज एंड पोजिशन इन सेंटेंस वर्ड्स आर डिवाइडेड। जो सेंटेंस होता है
उसके अंदर कुछ वर्ड है उनकी कुछ पोजीशन होती है कि वो फ्रंट में रहेंगे, लास्ट में रहेंगे, मिडल में रहेंगे, और उनका यूज़ क्या है, यूसेज, तो उसके हिसाब से वर्ड्स को डिवाइड किया गया है, तो उसको पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं। मेरे पास ऑक्सफर्ड इंग्लिश डिक्शनरी है, तो उसके अंदर आप कोई भी वर्ड देखोगे तो सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच आएगा, पहले वर्ड, उसको हेड वर्ड बोलते हैं, फिर पार्ट ऑफ स्पीच लिखा है वर्ब या तो नाउन, फिर फ्रेज होते हैं, वो सब कुछ नीचे आता है, लेकिन सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच होता है। तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, तो सेंटेंस के अंदर जो वर्ड्स है उनको उनकी पोजीशन और यूसेज के हिसाब से डिवाइड किया है, तो उनके मेन पार्ट ऑफ स्पीच कितने हैं, 8। तो कौन से, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन आता है ना, ब्रेवो, वो सब बोलते हैं ना, एलास, वो सब। ओके, फिर से पार्ट ऑफ स्पीच कितने हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। ओके, अभी इधर वर्ड देखो, रिदम, हम बोले कि रिदम वर्ड है, उसका पार्ट ऑफ स्पीच बताओ, तो वो है नाउन, हो गया ना, नाउन है रिदम। सिंग, सिंग क्या है, वर्ब, डांस, वर्ब। इंग्लिश, इंग्लिश क्या है बताओ, तो इंग्लिश है नाउन, प्रॉपर नाउन है। ओके, थैंक यू सो मच, ये पूरा हमने इंग्लिश के बेसिक के बारे में बताया, आप इस वीडियो को रिवॉच करके पूरा बाय हार्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।